हरियाणा के कांग्रेस से इकलौते राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रविवार को रेवाड़ी जिले के गांव जुड्डी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद दीपक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और परिवार वालों को शहीद की प्रतिमा लगवाने का आश्वासन दिया, ताकि दीपक की शहादत से युवाओं को प्रेरणा मिलती रहे। जो हमारे जुड्डी गांव से शहीद दीपक कुमार जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं, पूरा इलाका श्रद्धांजलि देता है। जो हमारे भाई थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी देश के लिए, अपने फौजी साथियों को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी देते हुए बहुतों की जान बचाने का काम किया। उनकी इस कुर्बानी पे पूरे इलाके को गर्व भी है और अपने एक भाई के जाने से सबके दिलों में दर्द भी है। आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। ये इलाका देशभक्ति का इलाका है, जय जवान जय किसान का इलाका है। ये इस इलाके ने देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और उसी कड़ी में एक हमारे भाई ने आज हमारा एक बार फिर इस इलाके का नाम गौरव की तरफ बढ़ाया। सर, जो भी कुछ हो सकेगा, जो उनकी वीरांगना है वो बिरड़ गांव से हैं, उस परिवार को भी मैं जैसे जानता हूँ, और तो उनके लिए भी जो हो सकेगा, ताकि रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की जो फौज की नीति है उसके अंतर्गत भी और उसके अलावा भी जो भी हो सकेगा हम प्रयास करेंगे, जैसा भी वो परिवार हमारी जिम्मेदारी लगाएगा। साथ ही गांव में शहीद दीपक की एक प्रतिमा की स्थापना करवाई जाए, वो मैं स्वयं अपनी तरफ से उस प्रतिमा को बनवाने का मैं काम करूंगा। और जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम का शहीद के नाम से नाम रखा जाए और उस स्टेडियम के अंदर वो प्रतिमा लगाई जाए, ताकि हमारे इलाके के अगली आने वाली पीढ़ियों को उनकी शहादत से प्रेरणा मिलती रहे। तो ये हम वहाँ पे कार्य करेंगे गांव में। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन पर पूछे गए सवालों को लेकर कहा कि बीजेपी की सरकार सरकारी तंत्र का प्रयोग कर किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। सरकार को हट धर्मिता छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए और फिर से बातचीत का रास्ता निकालते हुए कोई समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी तंत्र का प्रयोग कर इंटरनेट, पानी, बिजली जैसी सुविधा ऊपर रोक लगा रही है, जिससे आमजन को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये मानता हूँ कि सरकार को जेब नहीं लगानी चाहिए। एक राजहट में सरकार जो चल रही है वो किसी का लाभ नहीं है, किसी का फायदा नहीं है। आप सरकार बातचीत करके इस मामले को जो है का समाधान दे। सरकार की जिम्मेदारी है समाधान देने की, स्थिति गंभीरता को समझे सरकार। आज पूरे देश का किसान धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, हर बंधनों को तोड़ता हुआ एक भावना से एक हुआ है और एक एकजुटता से सरकार से मांग कर रहा है। आपने देखा होगा 50,000 करके लगभग किसान नासिक से चल के बम्बई में गए, तो कर्नाटक में बेंगलोर के अंदर 1,00,000 किसानों ने वहाँ पे मार्च का प्रदर्शन किया। तो आज पूरे देश के अंदर आज एक किसान की एक भावना बनी है और सरकार से ये कह रहा है कि ये जो कानून बने हैं इन कानूनों को आप अभी वापस लीजिए। तो सरकार को इस बात में जिद नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी किसान से बातचीत का रास्ता दोबारा खोलना चाहिए। जैसे कि कल बात आई है कि शायद बातचीत का रास्ता दोबारा खोलने की तरह सरकार सोच रही है, तो अब देर नहीं करे सरकार, बातचीत का रास्ता दोबारा खोले और सभी किसान संगठनों से बातचीत करके इस मामले को जल्दी से जल्दी इसका जो है सुलझाए सरकार। सर, पढ़ाई को लेकर बड़ी दिक्कत आ रही है, जो नेट वगैरह बंद कर दिए गए हैं, बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा, वो एक चिंतनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उस तंत्र को का दुरुपयोग जो है के बारे में रिकंसिडर करेगी। देखिए, जहाँ तक इस मामले की बात थी, एक शांतिप्रिय और अनुशासित कई महीने लंबा ये एक संघर्ष रहा था। 26 जनवरी को कुछ घटना आई थी, लाल किले की बात हो, कुछ और जगह 26 जनवरी को जो घटनाएं आई थी, उन घटनाओं का
हम पूरी तरीके से उनकी निंदा करते हैं और उन घटनाओं जो उपद्रव हुआ है उन उपद्रव के पीछे निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच में जो लोग सामने आए उनके खिलाफ दोषियों के खिलाफ पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मगर उसके साथ साथ उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो, दोषियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, मगर उसके साथ जो निर्दोष किसान, जो भोले वाले किसान, निर्दोष जो शांति और अहिंसा के रास्ते पे चल के महीनों से अपने घर बार छोड़ के जो बैठे हुए थे और जो शांति और अनुशासन से अपना प्रदर्शन कोई कर रहा था, उन किसानों को या उन किसान नेताओं को जो है निशाना सरकार को नहीं बनाना चाहिए और ना ही इस प्रकार की कोई काम करना चाहिए कि जैसे बात आ रही है कि इंटरनेट बंद करने की बात आ गई, बिजली पानी और जो अपना शौचालय हैं ये सुविधाएं बंद करने की बात आई सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, तो ये तो मानवता के कई बातें होती हैं, पानी का, शौचालय का जो होता है, ये एक मानवता से जुड़ी हुई बातें रहती हैं। तो इन बातों को मैं समझता हूँ सरकार अगर सरकारी तंत्र को का दुरुपयोग करके किसानों की आवाज़ को दबाना चाहेगी तो मैं समझता हूँ कि किसानों की आवाज़ ऐसे दब नहीं पाएगी। बता दें कि दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के शमसीपोरा हाईवे पर सुरक्षा बलों का दस्ता गश्त कर रहा था कि अचानक आतंकवादियों द्वारा लगाई गई आईईडी विस्फोट से 4 जवान घायल हो गए थे। उसमें से एक रेवाड़ी के जुड्डी गांव का दीपक भी था। दीपक देश के लिए शहीद हो गया। दीपक की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज दीपेंद्र हुड्डा उनके पैतृक गाँव पहुँचे थे। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी।